नमस्कार दोस्तों, मकर राशि वाले अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा रंगीन और रोमांस भरी बनाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में प्यार आता तो है लेकिन कुछ समय के बाद चला जाता है। हमेशा प्यार में उन्हें असफलता मिलती है और यदि वह किसी से सच्चा प्यार कर बैठते हैं तो उन्हें पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उनके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। यदि आपको भी किसी से प्यार हो गया है और आप चाहते हैं उससे शादी करना और आपके घर में नहीं हो पा रहा है उससे शादी कर पाना, तो उसके लिए आप गणेश भगवान की प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी शादी उसी से हो जाए जिससे आप प्यार करते हैं, तो शक्ति विनायक भगवान गणेश की प्रतिमा की पूजा कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि भगवान गणेश की पूजा करने से बहुत सारी सफलताएं आपको हासिल होंगी, चाहे वह प्यार में हो या फिर आपके बिजनेस में, आपके करियर को लेकर भी भगवान गणेश की प्रतिमा की पूजा करना खास माना जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा प्यार रहे और आपके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो और आपके जीवन में सौभाग्य रहे, तो भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ साथ आपको भगवान गणेश का मंत्र का उच्चारण भी करना होगा। इस मंत्र का उच्चारण आपको 108 बार करना होगा और मंत्र है ओम ह्रीम ग्रीम। इस मंत्र का उच्चारण आपको 108 बार करना है और इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए आप एकांत की दिशा में बैठिए और तुलसी के पौधे के पास बैठिए, ताकि आपके आसपास का वातावरण शुद्ध रहे और आपके जो भी विचार हैं वह वातावरण के आसपास घुल मिल जाएं, ताकि आपके वातावरण के साथ साथ आपके विचारों में और आपके जीवा पर शुद्ध वाणी इस्तेमाल हो। और आप किसी से भी कोशिश करें कि गाली या फिर किसी से बदतमीजी से बातें ना करें, क्योंकि यह आपके जीवन में भारी पड़ सकता है। तो यह है मकर राशि वालों के लिए जीवन में क्या करना है यदि वह अपने प्यार को पाना चाहते हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा की पूजा करना सबसे अच्छा माना जाएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।